हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक अभिषेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शाओमी के नया फ़ोन रेडमी 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये रेडमी 7 ने जो फ़ोन लॉन्च किया है फ्रेंड्स, ये एक मिड रेंज फ़ोन है, बजट फ़ोन है फ्रेंड्स। आपको ये फ़ोन आपके बजट के अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज शाओमी ने ये 3 वेरियंट लॉन्च किया है फ्रेंड्स। एक वेरियंट लॉन्च किया है 2 GB प्लस 16 GB, एक वेरिएंट लॉन्च किया है 3 GB प्लस 32 GB, और एक वेरिएंट लॉन्च किया है फ्रेंड्स 4 GB और 64 GB। मतलब फ्रेंड्स, एक का प्राइस पड़ जाता है आई थिंक 699 येन, मतलब 699 येन, ये चाइनीज रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो उसका प्राइस पड़ता है 7000 के आसपास फ्रेंड। और एक है 7 येन, आई थिंक मतलब 700 येन। तो फ्रेंड्स, इसका दाम पड़ जाएगा आपको 8000 रुपीज़ के आसपास। और एक फ्रेंड एक है 800 येन, जिसका आपको प्राइस पड़ जाएगा फ्रेंड 10000 के आसपास। तो फ्रेंड्स, 2 GB प्लस 16 GB का आपका दाम पड़ जाएगा 7000 रुपीज़। 3 GB प्लस 32 GB का फ्रेंड्स आपको दाम पड़ जाएगा वही कोई 8000 के आसपास। और फ्रेंड्स, इसका 4 GB प्लस 64 GB का आपको प्राइस पड़ जाएगा फ्रेंड्स यही कोई 10000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ़ोन में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में फ्रेंड्स। तो इसमें यूज़ किया गया है, बैक में पैनल है जो आपको बहुत ग्लासी फिनिश देता है फ्रेंड्स, बैक पैनल। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो फ्रेंड्स, इसमें 6.2 इंच की फुल HD डॉट नॉच डिस्प्ले दी गई है, और इसमें 720x1520 पिक्सल यूज़ किया गया है फ्रेंड्स इसमें। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके कैमरा की फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें 12 MP और प्लस 2 MP की फ्रेंड्स कैमरा यूज़ की गई है फ्रेंड्स। जो ये 2 MP का फ्रेंड्स ये डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है, जो फ्रेंड्स आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेने में हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके सेल्फी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें दी गई है 8 MP की कैमरा, जिससे आप सेल्फी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो फ्रेंड्स, इसमें बैटरी दी गई है वही 4000 mAh की, जो कि बाकी शाओमी अपने सारे फ़ोन्स में फ्रेंड्स देते हैं 4000 mAh की बैटरी। तो फ्रेंड्स, यही थी इस वीडियो में फ्रेंड्स। और हम अगर बात करें फ्रेंड्स इसके एंड्रॉयड बैच की, तो फ्रेंड्स इसमें यूज़ किया गया है एंड्रॉयड 9 Pie, जो कि एक बहुत अच्छी बात है शाओमी के मिड रेंज फ़ोन में 9 Pie हमें देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि इसमें MIUI 9 शो कर रहा है, कि इसमें MIUI 9 यूज़ होगा। फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, मैं ये कन्फर्म नहीं हूँ कि इसमें MIUI 9 ही होगा। बट फ्रेंड्स, आते हैं देखते हैं आगे और क्या मिलता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो सबसे मेन बात है फ्रेंड्स, इसके चिपसेट की फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा चिपसेट यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन 632, जो कि फ्रेंड्स एक अच्छा चिपसेट माना जा सकता है, बिकॉज हमने जैसा देखा कि Redmi Note 5 Pro में आप स्नैपड्रैगन 636 जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सिमिलर होने वाला है दोनों फ़ोन अगर हम प्रोसेसर की बात करें। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे अगर हमें कुछ और आगे पता चलती है। और फ्रेंड्स, ये चाइना में लंच हो चुका है, अब इंडिया में लंच होने की फ्रेंड्स तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।